हेलो जी, सुपर संडे विद एमजी शुरू हो गया है। सुपर संडे विद एमजी में क्या होता है? कुछ भी नहीं, हम बातें करते हैं। तो बातें करने वाले मेरे सारे के सारे दोस्त कहाँ पर है मुझे बताओ, कहाँ है मेरे सारे दोस्त? हेलो, हाय, हेलो, हाय, हाय, हेलो। आ जाओ, आ जाओ, लाइव आ जाओ, लाइव आ जाओ, जाने मनो। तो जी, आज का पहला हाय है संजना सोनार का। हाय संजना सोनार, हाय प्रेम जांगिड़। प्रेम जांगड़ कह रहे हैं हाय ब्रो, आज मेरे भाई शांतनु का बर्थडे है, सो प्लीज विश हिम हैप्पी बर्थडे शांतनु, मेरे प्रेम जांगड़ भाई के भाई। तो आकाश कश्यप कह रहे हैं हेलो जी। प्रशांत भारती कह रहे हैं हे वीर जी, हाय। नंदिनी सोनी कह रही है हेलो भाई, भाई भी उन्होंने कहा है, पर मैं भाई नहीं कहूंगा, नंदिनी सिर्फ हेलो कहा है। भाई कट कर दो, कट। लड़कियां मुझे भाई मत बोला करो प्लीज, मैं नहीं हूँ भाई। भाई जैसा दिखता हूँ क्या, मतलब भाई जैसा दिखता हूँ, पर प्लीज मैं भाई नहीं हूँ, मैं बनना भी नहीं चाहता हूँ। मेरी एक बहन है और बहुत प्यारी बहन है, बस और भी नहीं चाहिए मुझे। तो जी, एनआर ऑप्टिमिस्टिक, मेरा बचपन का ही दोस्त कह लो, उसने कमेंट किया है ऐसे हंसते हुए। शायद उसने मतलब मेरी बॉडी देख ली ना, इसलिए उसको हंसी आ गई। बताओ, हंसते भी हैं, पतला हूं तो क्या हुआ, पतला हो तो क्या होती यार, जरूर थोड़ी हर किसी की बढ़िया मतलब मसल वसल हो यार, कोई सब अपने अपने जैसे मस्त होते हैं, मैं तो ऐसे ही मस्त हूँ भाई, कोई टेंशन नहीं अपन को लाइफ में। ट्विंकल मौर्य कह रहे, ट्विंकल मौर्य कह रही है हेलो प्लीज से माई नेम, हाय ट्विंकल मौर्य, हाय ट्विंकल मौर्य, ट्विंकल मौर्य, ट्विंकल मौर्य, नाम ले लिया। देखो तुम्हारा जाने मनो, अरे यार जाने मनो मजा आता है यार तुमको जाने मन कहने में, मतलब सबके सब प्यार हो ना मेरे, इसलिए यो। हेलो अर्पणा पठानिया, हाय कैसे हो मोहित? मोहित एकदम मस्त है, और मोहित आज तो और भी ज्यादा मस्त है, क्यों मैं तुम सबको बताऊंगा, पर पहले सब लाइव तो आ जाओ जी, आप सबका हम वेट करें। तो केसरिया बालम, अरे राम गाना ही भूल गया मैं, सॉरी मैं भूल गया। तो केसरिया बालम आवो नी पधारो नी मारे लाइव चैट में, वाह केसरिया बालम पधारो मारे लाइव चैट में, हमारे लाइव चैट में आ जाओ जी। प्रियदर्शनी सुंदर कह रहे हैं हे टेक माय नेम प्लीज। चालू अमित गुप्ता कह रहे हैं हेलो आई लव योर मुस्टैच सुपर क्यूट, वाह बताओ मुस्टैच भी क्यूट लग रही है, थैंक यू यार चालू अमित गुप्ता। आ जाओ सब आ जाओ, क्या करोगे यार संडे को तुम, बाकी सब चीजें छोड़ो, थोड़ी देर बात करते हैं अपन यार, एक हफ्ता हो गया तुमसे बात नहीं करी, बताओ। ऐसे ऐसे थोड़े ना दोस्त होते हैं, दोस्त ऐसे नहीं होते, दोस्त होते हैं जो बातें शाते करते हैं। फिरोज अहमद एंड वन अदर पर्सन जस्ट शेयर योर वीडियो, तो फिरोज अहमद थैंक यू शेयर करने के लिए वीडियो, और जिस एक अदर पर्सन ने भी वीडियो शेयर किया जिसका नाम आया नहीं, फेसबुक बताता है नाम, किस किसने शेयर किया, किस किसने कमेंट किया, किस किसने लाइक किया, वो नहीं बताता, लाइक दिल और ये सब सारे इमोजी जो आप भेजते हो वो नहीं बताता किस किसने किया, बस ये बताता है इसने किया है। कमेंट सबके दिखाता है ऑलमोस्ट, पर कमेंट ना बहुत स्पीड में आता है अपने फटाफट फटाफट, तो मेरे को जो जो दिखते हैं मैं उन सबका रिप्लाई करता हूं। तो क्या मैं स्पीड में बोलता हूँ भाई, अपने क्या अपनी जुबान पे ब्रेक नहीं है, अपनी जुबान बिना ब्रेक के चलती है बस गाड़ी, कुछ भी बोलता हूँ मैं। भक्ति फाने सर कह रही हैं, फन से कर कह रही हैं किधर है चीनू, चीनू घर पे है देख। भक्ति, भक्ति अपनी दोस्त एकदम जिगरी और ना मस्त, अच्छे से जानता हूँ मैं उसको। तो भक्ति अपनी दोस्त है, मुंबई में रहती है और बहुत अच्छी डांसर है। और रश्मि, रश्मि राशु गौड़ा कह रही हैं हे मोहित आई टेक्स्ट यू ऑल संडे बट यू डोंट रिप्लाई, वी टेक्स्ट यू फ्रॉम बैंगलोर, प्लीज से हाई टू मी एंड लव यू, आई लव यू टू रश्मि राशु गौड़ा। और आपका कमेंट जब भी आएगा और मैं देखूंगा तो पक्का मैं रिप्लाई करूंगा, ऐसा हो नहीं सकता कि मैं रिप्लाई ना करूं। तो सूरज ओखेड़ा कह रहे हैं हेलो, त्रिखला सिमरन कह रही है हेलो हाउ आर यू, लाइव चैट अलोंग विद यू। अंकित केशरी एंड 15 अदर्स जस्ट शेयर्ड योर वीडियो, थैंक यू अंकित केशरी, और जितने भी लोगों ने वीडियो शेयर किया उन सबको थैंक यू। अनुराग त्रिपाठी कह रहे हैं प्लीज मेरा नाम ले दो प्लीज, हाय मोहित आई हैव सीन ऑल योर परफॉर्मेंस ऑन रॉ स्टार, क्या बात है अनुराग त्रिपाठी भाई, थैंक यू। आप अगर आपने मेरा रॉस्टार का परफॉर्मेंस देखा है तो प्लीज मुझे बताना आपको सबसे अच्छा परफॉर्मेंस कौन सा लगता है। अरे हाँ चलो, आज के लाइव चैट का अपन को वो मिल गया थीम वीम, तो थीम वीम ये है कि आज के लाइव चैट में तुम वो मुझे बताओ, वो सॉन्ग रॉस्टार का, या वो सॉन्ग रॉस्टार का अगर तुमने देखा है रॉस्टार तो जो तुमको सबसे फेवरेट लगाओ, अगर तुमने इश्क अनप्लग देखा है, इश्क अनप्लग का तुम्हें जो भी मेरा फेवरेट सॉन्ग लगता है वो बताओ, अगर तुमने दोनों नहीं देखा है तुमको वैसे फेवरेट सॉन्ग बता दो तुम्हारा, मैं गा दूंगा, कोई एक गाना बताओ मैं अभी तुम सबके लिए परफॉर्म करूंगा, ठीक है? ओके रेडी, तो कमेंट किया जाए, कमेंट के साथ में हुकुम किया जाए, हुकुम मेरे आका, मेरे आका हो तुम, आज से तुम्हारा नाम आका हो गया, थोड़ी देर के लिए 5 मिनट के लिए 2 मिनट के लिए तुम सबका नाम आका है। तो हुकुम मेरे आका, जो तुम सॉन्ग बोलो, तुम्हें कौन सा सॉन्ग पसंद आया था रॉस्टार में से, इश्क अनप्लग में से, कोई सा भी सॉन्ग, और मैं तुम सबके लिए वो परफॉर्म करूंगा अभी की अभी, मस्त ये। तो तब तक सौरभ श्वेता टाक कह रहे हैं क्या लगते हो मुझे को ताव देते हुए, अच्छा ऐसा क्या भाई, क्या बात है, थैंक यू यार, वाह थैंक यू।
सरस्वती रिनी कह रही है आप मेरे भी कमेंट में रिप्लाई नहीं करते हैं। सरस्वती रिनी हैं, अरे यार देखो मैं जब भी कमेंट दिखता है ना मैं जरूर रिप्लाई करता हूँ। शैली कौर कह रही है हेलो फ्रॉम पंजाब, लव योर स्माइल एंड नॉन स्टॉप बातें। वाह क्या बात है, मतलब किसी को तो मेरी जो मैं बोलता हूँ वो पसंद है। सुमन सिंह का कमेंट आया है लाखों निगाह में जिंदगी की राह में, क्या बात है। अच्छा ऐसा ही क्या, लुको घता दवे ने कहा है कपकेक। नंदिनी सोनी ने कहा है द हम्मा सॉन्ग। भक्ति फंसेकर ने कहा है ताज दार हरम। ऋषिका गुप्ता कह रही कपकेक। राहुल रोनी कह रहे हैं दर्शन रावल का गाना गा दो भैया, हाउ स्वीट। राहुल रोनी दर्शन के बहुत बड़े फैन है और दर्शन का फैन तो मैं भी हूँ भाई, अपना भाई है वो, और बहुत बहुत ही अमेजिंग सिंगर है, कंपोजर है, बहुत ही टैलेंटेड बंदा है। तो दर्शन का एक सॉन्ग गाएं, चलो दर्शन का एक सॉन्ग मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, वो है वो मेरा दिन भी तू मेरी जान भी तू, मेरे मेरा दिन भी तू मेरी शाम तू, मेरे रात के सपनों में तू, मेरी आहटे तेरा नाम ले, ये बात तू मान ले, 100 साल का मेरा एक दिन हो जिसमें तेरी तस्वीर ना हो, बेरुत्सी है मेरी ये जिंदगी मेरी, जे तेरी खुशबू ना हो, मेरी पहली मोहब्बत है वो, मेरी पहली मोहब्बत है वो। यार मुझे ना मतलब अच्छे से गाना नहीं आता पर मुझे बहुत पसंद है गाना, और दर्शन के सारे सॉन्ग मुझे बहुत पसंद है, तो ये सारे सॉन्ग्स सारे उन लोगों के लिए जो दर्शन के सॉन्ग्स बहुत पसंद करते हैं इंक्लूडिंग मी, तो ये छोटा सा मैंने कोशिश किया। तो जो दर्शन का सॉन्ग पहली मोहब्बत मैंने गा दिया है, अब तुम बताओ और कौन सा सॉन्ग सुनना है तुम्हें। तो मुझे कमेंट आया है भाईजान प्लीज बोलना सॉन्ग गाओ, बोलना ओके। छूटे आना छूटे मुझसे रंग तेरा ढोलना, एक तेरे बाजू दूजा मेरा कोई मोलना, बोलना माही बोलना। पर ये रॉस्टार का नहीं था फिर भी मैंने आपके लिए गाया है। और शोएब खान एंड 35 अदर्स जस्ट शेयर्ड योर वीडियो, थैंक यू शोएब खान और जितने भी लोगों ने शेयर किया वीडियो। सूरज उखेड़ा कह रहे हैं प्लीज बोलना सॉन्ग गाओ, बोलना सॉन्ग मैंने अभी आपके लिए गाया। मोहित वर्मा कह रहे हैं हाय भाई कपकेक का स्टोरी वर्जन कब आ रहा है और कितनी देर वेट कराओगे। हाँ तो मोहित वर्मा ने बात कही है जो मैं आप सबके साथ में भी कहने वाला था, तो अभी जितने भी लोग हैं उनको बताना चाहता हूँ कपकेक का स्टोरी वर्जन, एज प्रॉमिस्ड मैंने तुम सबको कहा था कि कपकेक का स्टोरी वर्जन मैं इसी मंथ रिलीज करूंगा और हर मंथ एक सॉन्ग आएगा तुम सबके लिए, पर वो थोड़ा सा दिक्कत ये हो गया है यार, बड़ा मतलब अजीब सा लगता है। देखो स्टोरी वर्जन का पूरा ऑडियो रेडी है, पूरा गाना तो ऑलरेडी रेडी है, उसका वीडियो भी शूट हो गया था अभी 20th of January को, तो 20th of January को शूट हुआ, 23rd, 24th के आसपास वापस से रीशूट हुआ, उसका एक पोर्शन बचा हुआ था, पर अभी उसकी एडिटिंग में ना टाइम लग रहा है, एडिटिंग मतलब उस वीडियो को और कैसे बेटर बना सकते हैं, तो अभी मेरी टीम से बात हुई वन डिजिटल एंटरटेनमेंट के साथ में वर्क कर रहा हूँ इस वीडियो को लेकर, तो उस टीम के साथ मेरी बात हुई, उन सब ने कहा अरे भाई ढोल नगाड़ों की आवाज़ आ रही है तुमको, धुमधड़ बाहर फेस्टिवल चल रहा है कोई मस्त सा, तो है ना उसी की आवाज़ अभी। तो हाँ तो मैं क्या कह रहा था कि वन डिजिटल एंटरटेनमेंट वालों से अपनी बात हुई है, तो वो अभी वीडियो एडिटिंग वगैरह कर रहे हैं, बातचीत चल रही है, तो देखते हैं कि कब वो प्रिपेयर कर देंगे। उन्होंने कहा कि थोड़ा सा टाइम लग सकता है मोहित, मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि फेब तक वेट आपको करना पड़े वीडियो के लिए, तो उन्होंने मुझे ऐसा कहा, तो मैंने उनको रिक्वेस्ट करी प्लीज़ यार अपन सबका सब वेट करें बहुत टाइम से, और मैंने सबको कहा है कि जनवरी में ये वीडियो आ जाएगा, तो अगर हो सके तो प्लीज़ आप ट्राई करो, पर उन्होंने कहा है कि नहीं हो पाएगा मोहित, अगर वीडियो आएगा भी तो इतना बेटर क्वालिटी में नहीं आएगा, तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तो ऐसी सी बात है यार, उन्होंने कहा है वेट करना पड़ेगा, एडिटिंग में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, तो अगर वो अपने बेटरमेंट के लिए वेट करवा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वेट करोगे तो और अच्छा से वीडियो आएगा तुम सबके लिए, तो वेट कर लेते हैं थोड़ा सा और, देखते हैं कब आता है, जैसे ही आएगा तुम सबके सामने हाजिर हो जाएगा। और उसके साथ में ही वो गाना तो आ ही रहा है, उसके साथ में ही अभी फरवरी का जो सॉन्ग है उसकी भी रेडी तैयारी वगैरह हो चुकी है, तो अभी मैं वही आज उसी की रिकॉर्डिंग के लिए मैंने बात वगैरह करी थी, और इसमें होगा बहुत सारी चीज़ें होने वाली है, हो सकता है कोई कोई और भी आर्टिस्ट तुम सबका एक बहुत ही फेवरेट आर्टिस्ट भी इस सॉन्ग में आए, तो ये बात चल रही है उसकी, फरवरी के सॉन्ग की रिकॉर्डिंग अभी चल रही है, अपना जनवरी का जो सॉन्ग है कपकेक का स्टोरी वर्जन पूरा रिकॉर्ड पूरा शूट हो चुका है, उसका बस एडिटिंग बाकी है,
तो जैसी वो हो जाती है तो वीडियो रेडी हो जाएगा तुम सबके लिए, मस्त फिर डाल देंगे उसको। तो तब तक बीच में मैं गरिमा वाजपेयी का कमेंट आया लाखों निगाह में, तो तुमको लाखों निगाह में सुनना है। तो नमस्कार, एक हाथ वाला नमस्कार, क्योंकि अभी दूसरे मेरे हाथ में, इस वाले हाथ में कैमरा मतलब फोन था मेरा, तो ये दूसरा हाथ ये हो गया। तो नमस्कार देवियों और सज्जनों, नमस्कार नहीं कहोगे मुझे, क्या बात है, नमस्कार कहो यार, ऐसे थोड़ा पहले नमस्कार कहो उसके बाद में गाना आगे जाएगा। तो नमस्कार देवियों और सज्जनों, आपके नमस्कार का मैं वेट कर रहा हूँ, प्लीज नमस्कार कहिए, नमस्कार 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 नमस्कार। हाँ तो नमस्कार आया मुझे, तो नमस्कार देवियों और सज्जनों, इतनी देर से तुम मेरी बातें सुन रहे हो, थोड़े बहुत बोलना और पहली मोहब्बत गाने भी सुन लिए, अब टाइम है एक स्टोरी सुनाने का। तो स्टोरी है मेरे और मेरे दोस्त कृष्णा की। एक दिन मैं और कृष्णा तालाब किनारे बैठे हुए थे और एकदम से कृष्णा ने मुझसे पूछा, मोहित तू अभी तक सिंगल क्यों है, तेरी अभी तक कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनी क्या, तेरे किसी ने भाव नहीं दिया। बात तो बंदे ने सही कही है, चार लड़कियों को प्रपोज मारा, क्या बोल रहा हूँ आज मैं, आज ना मेरी जबान लड़खड़ा रही है, क्यों, क्योंकि आज ना मैंने मतलब बहुत सारी चीजें, अरे यार छोड़ो बाद में बताऊंगा। तो चार लड़कियों को प्रपोज मारा, चार ने रिजेक्ट कर दिया अभी तक, पर ये बात मैं उनको नहीं बता सकता, यू नो व्हाई, ईगो इश्यूज यार, अपना भी ईगो है यार, छोटे आदमी तो क्या ईगो नहीं, ईगो है। तो मैंने ना उनको एक स्टोरी सुनाई, स्टोरी के अंदर स्टोरी है ना, इंटरेस्टिंग सुनना चाहोगे, वो स्टोरी क्या है बताओ, हाँ या ना, हाँ। तो मैंने उनको कहा कि लाखों है निगाह में जिंदगी की राह में सनम हसीन जफा, और होठों में गुलाब है आंखों में शराब है, लेकिन वो बात कहाँ, लाखों है निगाह में जिंदगी की राह में सनम हसीन जफा, और होठों में गुलाब है आंखों में शराब है, लेकिन वो बात कहाँ। तो लाखों निगाह में भी होगा तुम सबके लिए। अरे तो तुम सब मेरी जाने मनो। तो जी बात कुछ ऐसी है कि ये सब हो रहा है, और अभी ना मैंने बहुत सारी तुम सबको मेरे बारे में बात बता दी, ये बता दी सॉन्ग के बारे में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। अब तुम सब मुझे तुम्हारे बारे में बताओ, मोहित के बारे में जितनी बातें करनी थी वो मोहित ने कर दी है, अब बारी है तुम सब के बारे में सुनने की, तुम सब के बारे में बताने की। तो तुम सब अभी मुझे बताओ तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है, मैं सब पढ़ने वाला हूँ, बस फटाफट फटाफट तुम सब अपने बारे में बताओगे, कैसा तुम्हारा दिन जाया, कैसे दिन जा रहा है, कैसा तुम्हारा पूरा वीक गया, क्या चल क्या रहा है तुम्हारी लाइफ में। मैंने तो अपने बारे में बता दिया, अब तुम सभी तो बताओगे ना अपने बारे में, तो बताओ जल्दी से। तो मुकुल वर्मा एंड 48 अदर्स जस्ट शेयर्ड योर वीडियो, तो थैंक यू मुकुल वर्मा वीडियो शेयर करने के लिए, और जितने भी लोग वीडियो शेयर कर रहे हैं उसके लिए थैंक यू। और अभी मुझे अब तुम बताओगे, बस तुम्हारे बारे में बताओगे बस, और कुछ नहीं। तो सार्थक माहेश्वरी ने कहा है, कह रहा है कि यार आज ना मेरी जबान बहुत ही लड़खड़ा रही है यार, पता नहीं क्यों, बस हो रहा है, पता नहीं क्यों हो रही, बस हो रही है, चलने तो कोई दिक्कत नहीं यार, नॉर्मली है। तो सार्थक माहेश्वरी कह रहे हैं, भाई मेरी गर्लफ्रेंड आपकी बहुत बड़ी फैन है, पर मेरा ना ब्रेकअप हो गया है, एंड भाई आई विश मैं उसकी विश पूरी कर सकूं, प्लीज उसके लिए एक बार बात करके भूल दो, मेरे से पैचअप कर लें। अरे यार ये तो बहुत मतलब स्वीट सी बात है सार्थक, तो आई होप अगर उनकी गर्लफ्रेंड ये वीडियो देख रही हो या बाद में कभी देखें, पता नहीं मेरे को कि आपका ब्रेकअप क्यों हुआ है, पर अगर मेरा इस तरह से बात करने से या मेरे कुछ भी कहने से अगर आप रिलेशन वापस से सेम हो जाता है, आप वापस से पैचअप हो जाता है, तो इससे बेटर और कुछ नहीं होगा, और आप दोनों हैप्पी रहो, साथ में रहो, आई विश और मेरी बेस्ट विशेज आप दोनों के लिए, सार्थक और उसकी गर्लफ्रेंड के लिए। तो ये सार्थक की बात थी। शक्ति पांडे कह रहे हैं, आई लव यू डार्लिंग, अरे वाह यार, आई लव यू मेरी डार्लिंग टू यार, मेरी जाने मने हो तुम सब। तो राजदीप देखा कह रहे हैं, कॉलेज लाइफ फ्रेंड्स एंड लव स्टडी एंड ऑल, वाह। तो राजदीप देखा कि लाइफ में ना कॉलेज लाइफ चल रही है, उनके फ्रेंड्स चल रहे हैं, और स्टडी और लव शव चल रहा है, क्या बात है। पूनम सेहरा ने अपने बारे में बताया कि यार मेरा ना फीलिंग सो बैड है मोहित, आज तो आई हैड अ फाइट विद माय यंगर ब्रदर। अरे पूनम सेहरा कोई बात नहीं यार,
देखो भाई बहनों में लड़ाई नहीं होगी तो किसके बीच में होगी यार। मेरे तो अभी भाई बहनों में भी लड़ते हैं, मस्त मारा कुटी नहीं होती है। पहले में बहुत मारते पीटते थे एक दूसरे को, बड़ा मजा आता था। मेरी बहन तो कभी बार गुस्से मेरे पर ताला भी फेंक लेती थी, उसके हाथ में जो आता था फेंक कर मारती थी। मेरे को याद एक बार उसने ताला फेंका था इतना मोटा और मैंने कैच कर लिया था, बच गया था मेरी तो। मेरी शक्ल अभी ऐसी नहीं होती, और भी बेकार होती, ऐसी टेढ़ी वेढ़ी होती, पर मैं बच गया हूँ, ऐसा नहीं है, मैंने कैच कर लिया था इसलिए। और आनंद अम्मा कह रहे हैं, मोहित सर मैंने अपनी खुद की इनकम से मैंने अपनी मम्मी को सूट गिफ्ट किया और आई एम जस्ट 19, तो इससे बड़ी आवाज मतलब क्या होगी। आनंद अम्मा ने बात अपनी शेयर करी है कि उन्होंने अपनी इनकम से, पहली इनकम से अपनी मॉम को, मामी को गिफ्ट किया है एक सूट, और वो अभी बस 19 ईयर्स की हैं। तो ये तो बहुत ही बहुत ही बहुत ही प्यारी बात है आनंद भाई, तो बहुत ही अच्छा लगा यार, ये तो मतलब मज़ा आ गया तुम सबको ये सुन के तुमसे। आरुषि सक्सेना कह रहे हैं, कैन यू प्लीज से हाय आरुषि। अच्छा क्या बात है, हाय आरुषि, हाय आरुषि। गौरव परशर कह रहे हैं, मेरे को यार याद याद ही नहीं आ रहा भैया, याद ही नहीं रहा, मतलब क्या याद नहीं रहा बताओ। आराध्य बैश्या बता बोल रही है, टेंशन एग्जाम इज नॉकिंग एट द डोर, एग्जाम उनकी टॉक टॉक। अरे बताओ, मेरे नॉक करने से है ना वो चेंज ही हो गया एंगल, ये तो पहली बार हुआ, कोई बात नहीं। तो है ना आराध्या बैश्या करेंगी, टेंशन एग्जाम है और नॉकिंग कर रहा है उनके डोर पे, कोई दिक्कत नहीं यार, एग्जाम है एग्जाम में तो टेंशन होनी है, इसको लाइटली लो यार। मैं तो मस्त जितना हो सकता था उतना पढ़ता था और बढ़िया से एग्जाम देकर आता था और मार्क्स ठीक ठाक आ जाते थे। अब डिपेंड करता है तुम्हारी जरूरत क्या है तुम्हारी लाइफ से। मेरे को तो मतलब चलता था, कैसे भी मार्क्स आ जाए तो मेरे को चलता था। मेरे को तो ये था कि जितनी जितना है दिल से उतना करूंगा पढ़ाई, उसके बाद नहीं करूंगा, तो है ना इतना करते थे और बस चल जाता था अपना काम। तुम्हारी क्या एक्सपेक्टेशन है तुमसे, तुम अगर चाहते हो कि बहुत सारे मार्क्स लाने तो तुम्हें अच्छे से और पढ़ाई करनी पड़ेगी। अगर तुम्हें चलता है कि हाँ भाई चलेगा अपना तो नॉर्मल मार्क्स में, तो नॉर्मल जितनी चाहे जितनी इच्छा उतनी पढ़ाई करो, बस जो भी करो खुशी से करो, एकदम मजा आना चाहिए यार, पढ़ाई बर्डन नहीं लगनी चाहिए। जो भी करो ना काम लाइफ में, बस मजा लगना चाहिए, ऐसा लगना चाहिए भाई आज तो मजा आ गया करके, तो बस ऐसा काम करो कि दिल खुश हो जाए। वाह, नील भनुशाली कह रहे हैं, मोहित वन सॉन्ग फॉर मी प्लीज, आपके लिए एक सॉन्ग, आपके लिए कौन सा सॉन्ग गाऊं नील, आप बताओ, जो सॉन्ग कहोगे मैं गा दूंगा। उदयेशा सिंह शिखावर कह रहे हैं, कैसे हो, मैं एकदम मस्त हूँ। अनिशा निगाव कह रहे सो क्यूट, थैंक यू यार। मुज्तबा रहमान कह रहे हैं, बोलो भाई, क्या बोलूं भाई, बताओ क्या बोलूं। तानिया गिरी कह रहे हैं, मैं तो बस रिलेटिव्स फ्रेंड्स की शादी अटेंड करती फिर रही हूँ, बताओ जरा यार इनके फ्रेंड्स की शादी हो रही है, मेरी भी फ्रेंड्स की शादी हो रही है, बताओ यार, बड़ा अजीब सा लगता है, मतलब इतने बड़े हो गए यार, यकीन ही नहीं होता। बताओ, मैसेज आता है आज भाई मेरी इस दिन शादी, शादी का कार्ड आता है दोस्तों की तरफ से, मेरे से लगता है अरे यार अभी तो मतलब अभी तो बहुत यंग है अपन सब, और मतलब अभी से शादी वादी हो रही है, चलो करो कोई दिक्कत नहीं। अरे यार आज तो जबान पूरी लड़खड़ा रही है, पता नहीं क्या हो रहा है, बताओ, होता है होता है। करण कौशिक कह रहे हैं, हे ब्रो मेरी मम्मी बोलती है मैं सिंगिंग मत किया कर, बस स्टडी किया कर। मैं उनको बोलता हूँ शर्मा प्लस स्टडी इज इक्वल टू खतरा, उनको बोलो ना वो मेरे को सिंगिंग करने दे। अरे यार करण कौशिक भाई, अगर ऐसा है तो यार प्लीज़ उनकी मॉम से रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ अगर हो सके तो आप प्लीज़ यार करण को मतलब अलाउ करना सिंगिंग करने के लिए, और बस यही मेरी यार मेरी इच्छा है। मेरे को मैं खुद बहुत खुद को बहुत लकी मानता हूँ कि मेरे पेरेंट्स हमेशा से ऐसे रहे थे कि मैंने जो भी उनको कहा कि मेरे को ये करना उन्होंने करने दिया, और कभी नहीं भी माने तो मैं उनके पीछे पड़ जाता था, प्लीज़ 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 ऐसा करके। तो एक दिन क्या हुआ, एक दिन मदर्स डे की बात है, तो मदर्स डे को ही मेरी लाइफ का सबसे लाइफ चेंजिंग मोमेंट आया था, 12th of May 2013 की बात है, और उससे उस टाइम मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, थर्ड ईयर में था, और मदर्स डे पे मैं हर बार मम्मी को या पापा को या जिसको मेरे को बहुत मेरे क्लोज थे ना पर्सन, क्लोज हैं मतलब, उनको मैं हमेशा कुछ बना कर देता हूँ गिफ्ट स्पेशल, कुछ कुछ भी प्रिपेयर करके, कुछ भी गाना बना के, पोएम लिख के, ऐसा कुछ जो भी मैं कर सकता हूँ। तो मैंने उस टाइम ना, तो मम्मी मदर्स डे था और मैंने मम्मी के लिए एक सॉन्ग बनाया मामा माय बेबी नाम का, ओ मामा माय बेबी ऐसे करके। तो उस दिन पहली बार था जब मेरी पूरी फैमिली साथ में थी और मैंने उनको अपना ही बनाया कोई सॉन्ग सुनाया, और वो सॉन्ग सुन के पापा ने बस मेरे को एक बात कही थी। उससे पहले पापा ने कहा था कि चिनू देख तेरी इंजीनियरिंग तूने ऑप्ट करी है, तू इंजीनियर बनना चाहता है, तो तूने अगर कोई चीज़ ली है उसमें तू बाद में अब कह रहा है कि तेरे को म्यूजिक में जाना है, म्यूजिशियन बनना है, तो ये गलत है। तूने अगर कोई चीज़ ली है हाथ में तो उसको मतलब छोड़ना नहीं है, उसको पूरा करके फिर तू कर जो तेरी इच्छा है, पर कम से कम उसको पूरा अच्छे से कर। तो उस दिन मैंने गाना सुनाया था और पापा ने पहली बार कहा मेरे को कि है ना, मम्मी को और मेरे सबको कहा, मम्मी का नाम कुमुद है,
पापा ने कहा कि कुमुद चीनू को करने दे जो वो करना चाहता है। उनको सॉन्ग इतना पसंद आया था, उनको पहली बार ऐसा विश्वास हुआ कि मैं शायद लाइफ में कुछ कर पाऊंगा अगर मैं म्यूज़िक करता हूँ तो, अगर मैं गाने बनाता हूँ तो। तो उस दिन फर्स्ट टाइम था जब पापा ने खुद से कहा कि कुमुद चीनू को करने दे जो वो करना चाहता है। तो ये मेरी लाइफ का सबसे लाइफ चेंजिंग मोमेंट था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मैं अपनी तरफ से भले 100% हो जाऊँ कि मेरे को म्यूज़िक में जाना ही है, पर अगर मॉम डैड मेरे साथ में नहीं है, बस वो एक बार हाँ भी कहते हैं, मेरे को उनकी तरफ से कोई फाइनेंशियल या कुछ भी हेल्प नहीं चाहिए, मैं कैसे भी हो मैं मतलब म्यूज़िक कर लूँगा, मतलब कैसा भी मेरे को करना म्यूज़िक ही था, मैंने ठान लिया था। इवन इफ आई हैव टू स्लीप ऑन रोड्स मेरे को चलेगा, मैं भूखा भी रहूँ तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं थी, पर मेरे को करना म्यूज़िक ही था। तो ऐसा था मेरे मन में, मैंने ठान लिया था कि कुछ भी हो जाए, जब रॉक स्टार नहीं था मेरी लाइफ में तब की बात है, तो मैंने सोच लिया था कि भाई कुछ भी हो जाए अपन को करना म्यूज़िक ही है, बाय हुक और बाय क्रुक म्यूज़िक टीचर बन जाऊंगा, कुछ भी हो जाए, स्ट्रगल करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, अगर करूंगा म्यूज़िक ही लाइफ में, मैंने ठान लिया था उस टाइम। तो खुद की तरफ से 100% होने के बावजूद भी कहीं लगता था कि अगर मतलब मैं फिर भी आधा ही हूँ, आई एम जस्ट 50%। और उस दिन जब पापा की तरफ से ऐसा सुनने को मिला कि इसको करने दे जो करना चाहता है, तो बस उनका ये कहना ही मेरे लिए वो जो 50% को कंप्लीट एक और 50% मिल गया और मैं 100% हो गया। फिर तो मैंने सोच लिया कि बस अब तो भाई करना ही है, अब तो चाहे कुछ भी हो जाए। तो उस दिन तो मैं शेर हो गया था। तो ये बहुत बड़ा मतलब, अगर आपके मॉम डैड आपको सपोर्ट कर रहे हैं उस चीज़ में जो आप चाहते हो करना, तो इससे बड़ा गिफ्ट आपके लिए कुछ नहीं हो सकता। पर ये मत समझना कि अगर वो नहीं करते हैं तो आप कुछ नहीं कर सकते। नहीं यार, लाइफ में मतलब मैं तो क्या बोलूँ, मैं तो बस मतलब सच बता रहा हूँ, मैं तो बहुत आई एम लाइक ए नोबडी, मैंने अभी लाइफ में कुछ भी किया नहीं है यार, अभी तो बहुत कुछ करना है, अभी बस मैंने कोशिश कर रहा हूँ कुछ करने की, और तुम सब कुछ किया नहीं है मैंने। अगर तुम सोच रहे हो कि यार मोहित ऐसा करके, कुछ भी नहीं है भाई, अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई लाइफ की, तो कोशिश कर रहा हूँ अभी बहुत सारी चीज़ें करने के लिए लाइफ में। तो बस ये मेरी विशेज़ है यार, बहुत अच्छा होगा अगर आपके मॉम डैड आपको सपोर्ट करें, तो इससे बेस्ट बात कुछ और हो नहीं सकती है लाइफ में। अगर नहीं भी होता तो कोई दिक्कत नहीं यार, तुम खुद अपना जी जान लगा दो, और तुमने अगर खुद सोचा है तो मेरे को पूरा यकीन है तुम ज़रूर कर पाओगे, बस उसमें बाय हुक और बाय क्रुक उसमें लग जाओ बस दिल लगा के, और कुछ नहीं, और बस इतना ही मतलब मैं बोल सकता हूँ। और पायल हल्दार कह रही है ऐसे ना मुझे तुम देखो, अच्छा ये गाना है या क्या बोल रहे हैं पता नहीं, लेकिन ये गाना मुझे बहुत पसंद है वैसे। वर्षा राय कह रही है यू आर सो क्यूट, थैंक यू वर्षा। हरी ओम हैरी कह रहे हैं हाय ब्रो, हरी ओम हैरी, उनका नाम ही है हरी ओम हैरी, क्या बात है, बहुत ही अमेजिंग सा नाम है यार। सुमन सिंह कह रही हैं डोंट क्राई, अरे नहीं सुमन मैं क्राई नहीं कर रहा हूँ, अरे अपना मतलब थोड़ा सा मैं जब बहुत ज़्यादा फील से बोलता हूँ ना तो ऐसा लगता होगा शायद कि मैं रोने वाला हूँ, पर ऐसा नहीं होता नहीं है, मतलब आंखें ऐसा हो जाता है, मतलब एक्सप्रेशन पता नहीं क्यों मेरे खुद को आज तक समझ में नहीं आया, पर हो जाता है। आई सीन योर आईज, आई हैव सीन योर आईज, वैसे कहते नहीं देख लो मेरी आंखों में दिखाकर जब मैं बात करता हूँ, मैं लौंडा नहीं हूँ, मैं रो नहीं रहा हूँ भाई, थोड़ा रुक जाओ तुम डर जाओगे, इसलिए मैं थोड़ा पीछे ले लेता हूँ, रोना 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 नहीं है ये, तो मतलब मैं ऐसे ही बात करता हूँ, अपना बात करने का स्टाइल है, और स्टाइल भी मतलब क्या उस टाइम मतलब जो भी दिल में आता है मैं बोल देता हूँ यार, कोई दिक्कत नहीं है। ब्रो करण कौशिक का कमेंट आया, ब्रो एक बार हो बोलना प्लीज, अब मैं मम्मी को भी दिखा रहा हूँ आपको लाइव कि मेरे को सिंगिंग करने दे। ऐसा है क्या करण कौशिक की मॉम अगर ये लाइव चैट देख रही है तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपका बेटे को पसंद है सिंगिंग करना तो प्लीज उन्हें करने दीजिए यार, मेरी बस आपसे ये रिक्वेस्ट है छोटी सी, और बाकी जैसा आपको ठीक लगे बस ये रिक्वेस्ट कर सकता हूँ मैं तो, और क्या कर सकता हूँ। तो करण की मॉम से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज उनको करने दे जो करना चाहता, और जितने भी लोग हैं अगर लाइव चैट को देख रहे हैं, अगर उनके पेरेंट्स, अगर मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपने सपोर्ट कर दिया अपने बच्चे को तो उसके लिए उससे बड़ा कुछ और गिफ्ट हो नहीं सकता है, उससे बड़ा कुछ अचीवमेंट हो नहीं सकता है, आपने सपोर्ट दे दिया है ना बस बात का भी, तो भी वो बहुत बड़ी चीज़ है यार उसके लिए, मेरे को ऐसा बिलीव, मेरे साथ ऐसा हुआ है तो मैं बस वही कह सकता हूँ जो मेरे साथ हुआ है, मैं अपना एक्सपीरियंस ही शेयर कर सकता हूँ, और तो कुछ बोलने के लायक नहीं हूँ मैं तो। हाँ जी, तो अब टाइम है जाने का, अब टाइम है कुछ खाने का, मुझे बहुत ज़ोर से भूख लग रही है, और बहुत मज़ा आया इस बार भी लाइव चैट करके तुम सबके साथ में। तो तुम्हें सबको पता है यार कि इस हर संडे को लाइव चैट होती है और बहुत मज़ा आता है सबके साथ में, और अभी मेरा ना दिमाग थोड़ा सा इधर उधर जा रहा है, अभी मैं इस कान से मेरे को ढमढम की आवाज़ आ रही है, उस कान से नकुल भैया कुछ बात कर रहे हैं, और इस तरफ से मैं तुम सबसे बात भी कर रहा हूँ, तो बड़ा मज़ा आ रहा है।
तो जी अब टाइम है जाने का, और जाने से पहले अपन क्या बोलते हैं बताओ, तुम सबको पता है क्या बोलते हैं? अपन बोलते हैं आई लव यू, प्यार भरी बात, वो जो प्रपोज करते हैं ना एक दूसरे को, मतलब प्रपोज क्या, प्रपोज करने से ज्यादा हो जाता है ये, तो वो बात है कि दिल की बात शेयर करते हैं, तो मेरे दिल की में है हमेशा के लिए तुम सबके लिए कि आई लव यू है जी, जिंदगी भर रहेगा चाहे तुम करो ना करो, अगर करते हो तो लव यू टू बोल दो, मजा आ जाएगा। तो सचिन कुमार बुनकर कह रहे हैं लव यू ब्रो, क्या बात है। स्वीटो नोना कह रही है, स्वीटो नोना क्या नाम है तुम्हारा यार, आई लव यू। रिमझिम रिम्स कह रही है हवाई मोहित, मोहित एकदम बढ़िया है। रोहित अग्रवाल कह रहे हैं गुड बाय लव यू टू मिस यू। दिवांशी पांडे कह रहे हैं योर आईज योर स्माइल बोथ आर ऑसम, अरे थैंक यू यार। और पूनम शेरा कह रहे हैं नो अभी नहीं, 5 मिनट मोर, अरे यार नहीं यार अभी जाना पड़ेगा, अभी टाइम है थोड़ा जाने का, मेरे को भूख लग रही है। और टेंशन ना करो, नेक्स्ट टाइम वापस से आ रहा हूँ, नेक्स्ट संडे फिर से आ रहा हूँ। और प्रतिभा दक्ष एंड 78 अदर्स जस्ट शेयर्ड योर वीडियो, थैंक यू सो मच प्रतिभा दक्ष। और जितने भी लोगों ने वीडियो शेयर किया देखा, सबने जिन जिन ने लाइव चैट देखी, जिन जिन सबने कमेंट किया, उन सबको बहुत बहुत थैंक यू एंड आई लव यू, आई ऑलवेज लव यू। तुम्हारा ये जो दोस्त है ना वो जिंदगी और तुम्हारे साथ में रहेगा, सबको प्यार करेगा, तुम सबके लिए गाने बनाएगा। तुम सब प्यार करो ना करो कोई दिक्कत नहीं है मुझे, पर मैं तो प्यार करता रहूँगा। ये लिख कर ले लो, ये अपना मतलब वो क्या है, क्या यार एक डायलॉग था वो, अच्छा मैं भूल गया अभी तो, पर ये मतलब सच है लाइफ का मेरी, तुम सब प्यार करो ना करो कोई दिक्कत नहीं है मुझे। यू लव मी यू हेट मी आई डोंट केयर, बट आई ऑलवेज लव यू अनकंडीशनली एंड थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। बाय, टेक केयर, आई लव यू, बाय।